ये जो सामने आप देख रहे हैं ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण लेटर है। आपको बताते हैं पी पेंशन और हायर वेजेस कैलकुलेशन ऑन प्रो डेटा बेसिस, इससे रिलेटेड ये एक लेटर है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने की तरफ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा और देखिएगा। इसमें क्या है, डिटर्मिनेशंस ऑफ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस वेयर द कमेंसमेंट ऑफ पेंशन इज पोस्ट 1/9/2014 1/9/2014 ऑन द प्रो डेटा बेसिस फॉर द पेंशनेबल सर्विस अप टू 1/9/2014 यानी 54 साल 54 मंथ्स एंड सर्विस आफ्टर 1/9/2014 1/9/2014 6 मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसमें यहाँ पेंशनर्स का जो है नाम दिया हुआ है जो कि ब्लर किया हुआ है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि पेंशन ऑन हायर वेजेस कैलकुलेशन ऑन प्रो डेटा बेसिस में है, तो एक्चुअल पेंशन एज पर द पीपीओ वो निकल के आ रहा है 2521 रुपये। ठीक है, इन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाया हुआ है ईपीएस का जो है वो 1 जुलाई 1969, डेट ऑफ इंडिया 15 नवंबर 1995। ये एक्चुअल इनका जो पेंशन आया है एज़ पर द पीपीओ ये आया है 2521 रुपये। अब आगे आप अगर बढ़ते हैं तो टोटल सर्विस है डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब 19 साल 3 महीने और 14 दिन का इनका सर्विस निकल के आ रहा है। पास्ट सर्विस पेंशन है ये बताया हुआ है, मतलब पास्ट सर्विस पेंशन है करीब जो डेट उसमें दिया हुआ है 538 दिया हुआ है। पेंशन कैलकुलेशन फ्रॉम 16/11/1995 से लेके 31/8/2014 तक का ये पेंशन कैलकुलेट किया गया है। एवरेज ऑफ वेजेस फ्रॉम द 3/2010 से लेके 8/2014 तक है वो करीब 30,500, ये देख सकते हैं 30,587 रुपीज़ जो निकल के आ रहा है। पेंशनेबल सर्विस इन डेज आ रहा है 6,856 रुपये यानी ये निकल के आ रहा है। यहाँ पर वेटेज दिया हुआ है 730 रुपये। टोटल रिटॉर्ड पेंशनेबल सर्विस कितना हुआ 7,586 रुपये। अब इसको कैलकुलेट किया गया है यहाँ पर तो वो जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है 9,882 रुपये। अब यहाँ पर आप देखिए, अब इसको भी कैलकुलेट किया गया है जो डेट ऑफ जैसे ज्वाइनिंग हो गया 6,500, सेलिंग डेट जो है 31 अगस्त 2014 का है और फिर 15,000 सेलिंग स्टार्ट इंडिक कितना है 1 सितंबर 2014 तक है। पीपीओ नंबर इनका ये है, पेंशनेबल सैलरी इनका जो पेंशनेबल सर्विस जो है फ्रॉम 16/11/1995 से 31/8/2014 तक का ये निकल के आया हुआ है, करीब आया है 7,586 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं आप, तो उसमें आ गया पेंशनेबल सैलरी हो गया, डेट ऑफ एंडिंग हो गया, पेंशनेबल सर्विस इन डेज हो गया 182। अब यहाँ पर पेंशन कैलकुलेशन फ्रॉम 1/9/2014 से इन तक है तो 269 रुपये आए ये फॉर्मूला लगाने के बाद, ये फॉर्मूला उन्होंने लगा दिया। अब जो टोटल पेंशन आ रहा है वो क्या हो गया, ये टोटल इनका पेंशन कैसे बना, पास्ट सर्विस पेंशन हो गया यानी एक से हम लोग पास्ट सर्विस पेंशन को कैलकुलेट किया जो कि 538 रुपये है। पेंशन ऑन सर्विस फ्रॉम 16/11/1995 से 31/8/2014 तक का है, इसको बी दिया हुआ है जो कि 9,082 रुपये आया हुआ है। यहाँ पर आपने देखा है ये चीज़। अब उसका पेंशन इन सर्विस फ्रॉम 1/9/2014 से सुपर एनुएशन इसको सी दिया हुआ है, सी पार्ट दिया हुआ है और इसको टोटल कैलकुलेट करना है तो टोटल आपका रिवाइज जो पेंशन हो जाएगा एज पर द प्रो राटा यानी ए प्लस बी प्लस सी कर दिया है तो 9,917 रुपये जो है उनका पेंशनेबल जो टोटल पेंशन आ रहा है वो निकल के आ रहा है। अब डिमांड रिफंडेड ये हो गया चेक, ये तो उनका चेक नंबर ये सब डिटेल आप देख रहे हैं यानी द टोटल अमाउंट ऑन ऑफ पेंशन ऑन POHW फ्रॉम 3/3/2015 से 31/12/2023 तक है वो इतने अमाउंट में आ रहा है यानी वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 10,50,541 रुपये। अब TDS की बात कही गई है ये रहा, ये दोनों डिटेल यहाँ फिल किया गया है यानी 4% सेस ऑन TDS है तो ये अमाउंट हो गया। टोटल POHW आफ्टर TDS कितना हो गया 92,300
73 रुपये। अब ओल्ड पेंशन पेड फ्रॉम 3/3/2015 से लेकर 31/12/2023 तक कितना है, 2,67,058 रुपये है। और आउटस्टैंडिंग एरियर्स ऑन PHOW टू पेड ये कितना हो गया, करीब आपको देख सकते हैं कि ₹6,53,315 निकल के आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। ये आपने लेटर में देखा दोस्तों कि किस तरह से इसको, ये जो है ये एक लेटर था जो चूँकि हायर वेजेस पे है, कैलकुलेशन किया है ऑन द प्रो डेटा बेसिस है, और डिटर्मिनेशन जो पेंशन होगा वो प्रो डेटा बेसिस पे हिसाब से आपको दिखाया जा रहा है कि जो कैलकुलेट किया जाएगा तो जो हायर पेंशन का वेगेज के हिसाब से, तो वो करीब करीब पेंशन जो है इतना बनेगा, यानी जो रिवाइज पेंशन बनेगा वो 9,917 रुपये बन रहा है। तो हायर वेगेज के ऊपर ये पेंशन का सुविधा मिलने वाला है पेंशनर्स को। ये एक महत्वपूर्ण डेटा था जो कि आप सभी के साथ साझा किया जाना काफ़ी आवश्यक था, हायर पेंशन के वेगेज के ऊपर किस प्रकार से पेंशन में इन्हेंसमेंट होने वाला है, इससे आपको स्पष्ट हो चुका है, इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। आपके जो भी राय होंगे वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।